वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और ब्लॉग को मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों अभी हम लोग तालाब नहाने के लिए आए हैं और यहाँ पर मुन्नी का बाल देखो भींगा हुआ है और बाल बिल्कुल झड़ा भी नहीं है। अभी हम लोग तालाब में ही हैं और केवल कमल के फूल हैं और इधर नहाने के लिए आगे की ओर मुन्नी आया था। बालो करी नाच दोस्तों। अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक धर्म स्थल पर। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने मानसिक करते हैं और सभी का लगभग यहाँ पर अपना मानसिक पूरा होता है, तो ये बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर जो बकरे कटते हैं उसको सिर्फ जेंट्स लोग ही खाते हैं, तो हम लोग भी एक तो दोस्तों हम लोगों को भी एक इनविटेशन मिला था, तो उसी में हम लोग यहाँ पर आए हुए। दोस्तों यहाँ का जो प्रसाद खाकर हम लोग भी निकल रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि काफ़ी लोगों का मन्नत पूरी होता है इस जगह पर। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और हम लोगों का टारगेट यहाँ पर आने का नहीं था, फिर भी इन्विटेशन मिला एक आदमी की ओर से, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, आने जाने में लोगों को कठिनाई होती है। ये जंगल के बीचों बीच है और फिलहाल अभी शाम होने वाला है और हम लोग निकल रहे हैं आरसा की ओर। ये जो आगे रोड है ये आरसा की ओर जाता है, अभी बीच रोड तो नहीं बन पाया है। दोस्तों बंगाल के हर गांव में आपको इस तरह से हरि मंदिर आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं। दोस्तों सामने एक मेला लगा था, उस पर हम लोग पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मेले में। तो